Hello everyone, good morning. Wish you a very happy Diwali to all of you. आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं आपके और आपके परिवार को. वहाँ लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव आप सभी के परिवार पे बना रहे. और कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माई अनादर ब्लॉग. तो देखते जाइए, आज दिवाली है, कैसे क्या क्या होने वाला है, कैसे क्या दिवाली बनने वाली है वो हमको भी नहीं पता है. तो व्लॉग में बने रहे, आगे आगे देखते जाइए क्या होता है. अभी तो गुड वाली मॉर्निंग हुई है, फिर देखते हैं अब आगे आगे क्या क्या प्रोसेस होती है, क्या नहीं होता है. तो व्लॉग में बने रहना और फिर मिलते हैं शाम को. मिलते हैं, सिर्फ व्लॉग में तो बने रहो, बाकी शाम का क्या होता है वो हम सब देखते हैं. फाइनली हमारी आंटी आ चुकी है. हैप्पी दिवाली आंटी. ये देखो अभी जो नए दीपक है जितने भी है सबको पानी में रखा जा रहा है, बिकॉज थोड़े नए दीपक गलना जरूरी होते हैं, क्योंकि फिर वो क्या होता है आंटी, तेल पीते हैं इसलिए. हाँ, तो थोड़ी देर उनको गला के रखेंगे. हाँ, और ये देखो सुबह सुबह इधर नाश्ता पानी चल रहा है. ये देखिए, हाय बियाना, गुड मॉर्निंग, बोलो हैप्पी दिवाली सबको. हैप्पी दिवाली. अरे मुझे नहीं करना है, यहाँ पे सबको बोलो, फ्रेंड्स लोगों का हैप्पी दिवाली बोलो. हैप्पी दिवाली. चलो तो गाइस ये पूरा रूम सब सही करते हैं हम लोग, काम धंधे पे लगते हैं अपने. बियाना जल्दी जल्दी खा लो. कर रहे हैं यहाँ पे खाने की तैयारी, जब तक मैं आंटी बाहर का झाड़ू पोछा और सब क्लीनिंग कर लेती हूँ, ठीक है? ये देखिए, ओके. जब तक मैं ये रूम जब तक मैं ये रूम वगैरह सब क्लीन करके झाड़ू वाड़ू लगा लेती हूँ, फिर लास्ट में आंटी पोछा और डस्टिंग कर देंगे. जब तक मुझे थोड़ा बहुत डेकोरेशन वगैरह करना है सारी चीज़ में. बने रहिए, आगे आगे देखिए क्या क्या होता है दिवाली की, कैसी क्या तैयारी चलती है. अभी तो थोड़ा सा यहाँ पे कालीन वालीन बिछाऊंगी, सारी चीज़ें करूंगी. तो मैं जब तक पहले झाड़ू वाड़ू लगा लेती हूँ, आंटी जब तक खाने की तैयारी कर रही है, देन उसके बाद हम लोग मिलते हैं. ये देखिए यहाँ मैं अपने काम पे लग चुकी हूँ. और ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं सोफे सही कर रही हूँ. जितनी स्पीड में दिखाया जा रहा है इतनी स्पीड में तो मैंने किया नहीं है, ये कम से कम आधे घंटे में हुआ था सारी चीज़ें, झाड़ू वाड़ू सब. ये देखिए फटाफट मैंने सोफे के कवर लगाए हैं, उसके बाद पीलो सब अपनी अपनी जगह पर रखे हैं. देन उसके बाद मैं जाऊँगी अंदर, सारे जो कपड़े थे वो रख के आई हूँ. और अब मैं जाऊँगी बाहर झाड़ू लेने. अब मैं झाड़ू लेके आई हूँ, अब मैं झाड़ू लगा रही हूँ. और जितनी फुर्ती में दिख रहा है आपको उतनी फुर्ती में मैंने बिल्कुल झाड़ू नहीं लगाई है. सो हेलो गाइस, यहाँ पे चल रहा है खाना बनाने की तैयारी. मैं दे रही हूँ आंटी को सब्जी और कट करके, क्योंकि बन रही है भिंडी दाल चावल एंड रोटी. बस ये काम करने के बाद फटाफट डस्टिंग करेंगे, पोछा लगाएंगे, पूजा की तैयारी करनी है, सारी चीज़ें करनी है. उसके बाद आंटी अपने घर चले जाएंगे, वो भी उनकी पूजा की तैयारी करेंगे. फिर सब लोग रेडी होंगे तो व्लॉग में बने रहिए, आगे आगे देखते जाइए क्या क्या होता है. आंटी मुझे भिंडी भी नीचे दे दो, उसको पोछ के और मैं कट कर देती हूँ. एक अच्छा कपड़ा दे दो, नैपकिन और ना वो दे दो, नाइफ दे दो मुझे. दो गिलास पानी रखना. हाँ पहले धो ली अच्छे से, दाल को धो लो पहले इसमें. हाँ इसी में धो के और फिर वो कर लो. उसके अंदर नमक, और वो नमक अभी डालोगे कि बाद में? थोड़ा सा हल्का सा घी डाल दो और है ना वो कर दो, उसमें नमक डाल के छोड़ दो, हल्दी भी डाल दो और उसी के अंदर हिंग डाल दो. अच्छा खुशबू स्वाद आता है. हाँ इसी के अंदर उबालते टाइम में दाल में हिंग डाल दो. हाँ. और है ना वो कर दो, हिंग डाल दो, थोड़ा सा घी डाल दो. हाँ घी डाल दो और हल्दी डाल दो, नमक डाल दो. हाँ बस राई जीरे और फिर उसका ही करना रहेगा, हरी मिर्ची इसका ही बगार डालना रहेगा. सो गाइस ब्लॉग बने रहिए, आगे आगे देखिए क्या होता है. फिर हम लोग मिलते हैं थोड़ी सी देर में. भिंडी कट करके रेडी कर दी है, भिंडी का बगार लगाने का, और ये दाल का भी पीस दिया है, दाल का बगार लगाने का. आप ये सब ऊपर रख लीजिए और चलो अब झाड़ू पोछा कर लिया अपन, डस्टिंग कर लिया, मैं पीछे का रूम क्लीन करती हूँ. दिवाली
पापा ने नहा लिया है, आप तो नहाए नहीं है। पापा जिम जा रहे, पापा पूजा की तैयारी करने जा रहे हैं। हैप्पी दिवाली बिहाना, बोलो हैप्पी दिवाली। आप नहीं, रंगोली में फूल बनाया? अरे वाह यार, आपको आती रंगोली बनाते हैं? सारे पार्सल मैंने ओपन करे थे, कोलैबोरेशन की ड्रेस आई थी, बस इन सबको मैं रख रही हूँ। फटाफट से पूरा रूम क्लीन कर रही हूँ क्योंकि फिर दिवाली की पूजा के लिए रेडी भी होना है, सारी तैयारी भी करनी है, सारी चीज़ें। तो फटाफट फटाफट आंटी खाना बना रही है, जब तक मैं रूम सही कर रही हूँ। जीजू जा रहे हैं जिम पे पूजा की तैयारी करने, क्योंकि यहाँ की पूजा की तैयारी मैं कर रही हूँ और वहाँ की वो करने जा रहे हैं, तो वहाँ का ब्लॉग तो मैं शूट नहीं कर पाऊँगी गाइस। तो आप वहाँ पे तैयारी करो, मैं यहाँ पे करती जब तक, ठीक है? ओके, और आपके कुर्ते वाले को फोन लगाओ, फिटिंग का हो गया होगा, लेते हुए आना। और बिहाना और मेरे लिए क्लिप और पोनीटेल लेके आनी, तो उसके लिए वीडियो कॉल कर लेना। वो दिखाते हैं नीचे मम्मी गेरू डिपरी पूरे आंगन पे, क्योंकि शाम की रंगोली की तैयारी चल रही है। ये देखिए ऐसा किस किस के घर पे होता है जरूर बताना, ऐसे पूरे आंगन को ऐसे लीपते। मम्मी खाना बन चुका है, और ये हमने जो दीपक रखे थे गला के, वो अब निकाल के थोड़ी देर सुखाने रख रहे हैं। और उसके बाद मैंने आगे का रूम कर दिया है, बस आंटी पोछा लगाते तो मैं डस्टिंग करूँगी और सब्दुल कालीन वालीन बिछाऊंगी, थोड़ा सा डेकोरेशन करूँगी, फिर मिलते हैं गाइस। और ये पोछा, और यहाँ पे मैंने डेकोरेशन करना स्टार्ट कर दिया है। ये बाउल है, और मैं लाई थी बहुत सुंदर सुंदर से, उसे पानी भर दिया है मैंने। और ये देखिए वेरी नाइस पोछा, और यहाँ पे मैंने डेकोरेशन करना स्टार्ट कर दिया है। ये बाउल है, और मैं लाई थी बहुत सुंदर सुंदर से, उसे पानी भर दिया है मैंने। और ये देखिए वेरी नाइस पोछा, और यहाँ पे मैंने डेकोरेशन करना स्टार्ट कर दिया है। ये बाउल है, और मैं लाई थी बहुत सुंदर सुंदर से, उसे पानी भर दिया है मैंने। और ये देखिए वेरी नाइस, ये यहाँ पे डेकोरेट कर दिया है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। ने पोछा लगा दिया, और मैं सारे कालीनों को बिछा रही हूँ, सारी चीज़ें व्यवस्थित कर रही हूँ, सब कुछ रख रही हूँ। तो व्लॉग बने रहिए और देखते जाइए कितनी जल्दी जल्दी मैंने सारा रूम क्लीन किया है। जितनी जल्दी इसमें दिख रहा है उतनी जल्दी मैंने बिल्कुल भी नहीं किया है, बहुत टाइम लगा था। ये देखिए फटाफट 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 सारा सामान जो जो जहाँ रखने का था फटाफट क्लीन किया है। उसके बीच में विहान आ गई है पॉपअप लेने के लिए, और ये देखिए देखते जाइए कितनी फुर्ती में सारी चीज़ें मैं अपनी अपनी जगह पर रखूँगी। इतना अच्छा लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है रियल में भी इतनी जल्दी 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 काम हो जाना चाहिए, ऐसा जादू से फट 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 फट। काम करते करते लाइट चली गई, अंधेरे में भी मैं झाड़ू लगा रही हूँ घर, मतलब अभी थोड़ा बहुत कुछ कुछ बाकी साथी वाती है बनाना, और तो जब तक मैं आपको दिखाती हूँ पूरा घर कैसे रेडी हुआ है, तो जस्ट वेट एंड वॉच। सब दूर कालीन वालीन बेच चुकी है, ये वाला रूम भी रेडी है, देन ये रहा हॉल, जो कि हॉल भी पूरा रेडी है, आप देख सकते हो। ये देखिए शाम की पूजा की तैयारी के लिए पूरा सामान, सब कुछ रेडी है। ये देखिए किचन भी एकदम नीट एंड क्लीन, पूरा सब कुछ परफेक्ट रेडी है। इधर बेडरूम भी आप देख सकते हो, बेडरूम भी एकदम रेडी है। बस ये हमारी शाम की ड्रेस जो हम पहनने वाले हैं, जो कि मैं अभी आयरन करूँगी उसको। ये देखिए इधर तक पूरा हो चुका है, अब बस शाम को दीपक लगेंगे। मैं अभी डस्टिंग करूँगी, डस्टिंग नहीं हुई है बस पूरे फर्नीचर की, देन उसके बाद हम मिलते हैं, जब तक हम व्यूअर में नहा के रेडी हो जाते। ये देखिए आप लोग कैसा लग रहा है, आप कमेंट में ज़रूर बताना। अभी जो फ्लावर वगैरह लाएंगे तो अभी डेली पे सब फ्लावर लगाएंगे और सारी चीज़ें होगी, और मुझे अभी रंगोली भी बनाना है, बहुत सारी चीज़ें करनी। तो गाइस मिलते हैं थोड़ी सी देर में। ये देखो नीचे का मम्मी ने पूरा वो कर दिया है। ओहो ये रंगोली कौन बना रहा है? ये चीकू है ना, ये देखो यहाँ पे रंगोली, तो मैं टेंशन फ्री हो गई हूँ, बच गई रंगोली से।
क्योंकि यहाँ पे मान भी बना रही है रंगोली। ये देखिए मम्मी ने पूरा अच्छे से आंगन कर दिया है, आप देख सकते हो। विहाना ऊपर काम हो गया है घर का और अब हम लोग रेडी होने के बाद मिलते, बाय। सो फाइनली गाइज हम तीनों रेडी हो चुके हैं। ये देखो हम तीनों पिंकी पिंक 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 पिंक। तो कैसे लग रहे हम लोग कमेंट में जरूर बताना और आपको ये पूरा लुक हमारा देखने के लिए मिलेगा हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे। तो जिसने भी अभी तक हमें इंस्टा पे फॉलो नहीं किया इंस्टा पे फॉलो कर ले। मेरी इंस्टा आईडी इशू गनगौर, इनकी लोकेश गनगौर 9 और विहाना क्यूटी पाई। अभी हम लोग जा रहे हैं जिम पे पूजा करने, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहो। पहले हम पहले घर के पूजा कर ली हम लोगों ने, वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ, आप देखते जाइए। घर पे पूजा कर ली, अब हम लोग जिम जा चुके हैं। सारे फूल हाल लेके आ चुके। क्या कहाँ लगा रहे हो, कहाँ लगा रहे हो? ठीक है। और फिर यहाँ पे ऊपर इधर तैयारी, फूल वूल माला सब लगा व्यू। चलो जल्दी से रेडी हो, देखो पापा भी रेडी हो जाए की तैयारी हो गई है स्टार्ट। देखो हम तीनों हैं आज पिंकी पिंकी पॉन्की। पकड़ के रखना, छोड़ना नहीं मेरी जान। रुको आता था व्यू आप आता दिया ना तुमने। ओहो ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। वो साथी भी चिपका दो, देवी माता। हाँ देवी माता, चलो वो देखो। चलो ओहो अब इस पे जोर से ठोक दो, हाथ मारो उस पे जोर से, चिपकना चाहिए जोर से, पूरा चिपकना चाहिए। हाँ रंगोली बनाने का बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो ये देखो भाभी रंगोली बना रही है। हेलो भाभी, हाय। ये देखो बस अभी आप बनाओ, मैं पूजा की तैयारी करवा रही हूँ। ये देखो बहुत सुंदर लग रही है। देखो सामने वाले घर में लिखा है हैप्पी दिवाली। हाँ अच्छी लग रही है, सुंदर सुंदर। ये देखिए लग गया इधर, देखो व्यू हटो तो जरा। हाँ रुको, हाँ खा लो। अभी पूजा की तैयारी स्टार्ट हो गई है, ब्लॉग में देखते जाइए आगे आगे जीजू कैसे क्या तैयारी कर रहे हैं, तो ब्लॉग में बने रहना। जुग जुग जीवे तेरा जुमी दराजा। आगे का कंटिन्यू व्लॉग किसको देखना है जल्दी जल्दी कमेंट करो, जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे इसके आगे का व्लॉग मैं कंटिन्यू करूँगी। तो आपको व्लॉग कैसा लगा लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, नेक्स्ट पार्ट के लिए जल्दी से कमेंट करो।